का टाइम हो गया। आइए नमस्कार सर, बैठिए। क्या नाम आपका? अभिलाष कल्ला सर। कहाँ से किया टेंथ क्लास पास? जोधपुर से किया। कौन से साल में किया? 2008। कौन से स्कूल से किया? बी आर बिरला। और ग्रेजुएशन कब किया? 2016 में कंप्लीट हुआ था सर। बी ए अभिलाष कल्ला दोनों मिला के तो 16 से 6 साल हो गए सर। तो वकालत में नहीं किया कभी? वकालत में गया नहीं सर, जाना तो चाह रहा था मैं, पर ये ऐसा प्रिविलेज है सर जो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था वकालत करना। मेरा पीछे की तरफ पीछे क्यों वकालत में क्या करना? आप तो जोधपुर के हो, जोधपुर तो खान है वकीलों की। सर थोड़े फैमिली के ऑब्लिगेशंस थे सर मेरे, तो फाइनेंशियली मैं सपोर्ट करना चाह रहा था। फादर क्या करते हैं? रिटायर्ड है सर। किस से? कौन से जॉब में थे? वन विभाग में थे सर। वन विभाग। ये फॉरेस्ट एक्ट कौन से साल का? फॉरेस्ट सर एक तो अंग्रेजों के जमाने का है सर, उसको मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, सॉरी। साल फॉरेस्ट एक्ट में कोई व्हीकल जब्त हुआ ट्रैक्टर तो उसको कोर्ट छोड़ सकता है? मेरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट छोड़ सकता है सर, पेशी जब होगी सर मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने तो 457 की एप्लीकेशन लगती है सर। कौन सा सब्जेक्ट किया है सत्यार्थ? ऐसे तो सर सारे ही हो रखे हैं, क्रिमिनल लॉ के अंदर थोड़ा सा सर कंफर्टेबल फील करता हूँ। ऐसा सवाल पूछते एक सब्जेक्ट बताना है, ऐसा सवाल पूछते क्रिमिनल लॉ में भी कई सब्जेक्ट है तो कौन सा अच्छा है? जैसे सर ने पूछा ना कौन सा तैयार किया, बोले सर क्रिमिनल में मैंने सीआरपीसी किया, आईपीसी एविडेंस सर, एक ऐसे क्रिमिनल में तो जी जी प्रोबेशन तो बहुत है, कोई एक बताइए। इंडियन पिनल कोड है सर जिसमें इंडियन गुड फेथ की डेफिनेशन क्या है? गुड फेथ की सेक्शन 52 के अंदर है सर डेफिनेशन, मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। क्या है गुड फेथ की सेक्शन? नथिंग इज सेड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट इज डन विदाउट प्रॉपर केयर और कॉशन। तो गुड फेथ में अगर विदाउट प्रॉपर एंड कॉशन किया तो गुड फेथ में है या गुड फेथ में नहीं है? विदाउट प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं किया सर, हां देन इट इज सेड टू बी नॉट इन गुड फेथ, अदरवाइज इट इज इन गुड फेथ। ये कॉमन इंटेंशन का क्या है बेसिक एलिमेंट? सर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए सर, सेक्शन 34 की बात करता है कॉमन इंटेंशन, देयर शुड बी अ मीटिंग ऑफ माइंड एंड अ कंसर्टेटेड एक्ट सर। अच्छा मान लो मैं यहाँ इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरे ब्रदर दो ब्रदर ने मार पिटाई कर दी बनी पार्क में किसी के साथ, तो मेरे पे भी 34 लग सकता है क्या? नहीं सर, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत आवश्यक है सर, सेक्शन 34 के अंदर अगर अपन किसी को शामिल करते हैं। और 120 बी के ऑफेंस के लिए प्रेजेंस जरूरी है? नहीं है उसके लिए जरूरी नहीं सर। 120 क्या है? 120 बी 120 बी सर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है उसका पनिशमेंट को डिफाइन करता है, तो उसके अंदर सर अबेटमेंट हो सकता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अबेटमेंट हो सकता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? एग्रीमेंट होता है सर दो पर्संस का टू कमिट एन ऑफेंस और एन एग्रीमेंट और एन एक्ट विच इज एन ऑफेंस सर, तो उस केस के अंदर अगर ये एग्रीमेंट सर एक प्रकार से इंस्टिगेशन के द्वारा भी हो सकता है, एड भी कर सकते हैं सर आप। ये एक्सटॉर्शन रॉबरी का बन जाता है? रॉबरी के अंदर सर फोर्स का एलिमेंट बहुत आवश्यक होता है और इंस्टेंट थ्रेट जो है सर डेथ का वो अगर अवेलेबल हो तो एक्सटॉर्शन रॉबरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है सर। डेथ का कैसे? तोप के सामने खड़ा कर दे जैसे सर, इसमें तीन एलिमेंट है, आप परमिशन दे तो मैं सर उनको रिट्रेट करूं। नहीं मैं कह रहा हूं कि डेथ का या और भी चीज का है, इंजरी का है या कोई रिस्ट्रेंट है सर जैसे, हां और हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है या फिर पूछेंगे। आईपीसी में ऐसा कौन सा अपराध है जो जमानती है आपकी राय में जमानती होना चाहिए? सर सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। जो लोक सेवक और सरकारी सेवक सर दो शब्द है ना, इनकी डेफिनेशन कौन सी धारा? सर पब्लिक सर्वेंट है वो सेक्शन 21 डिफाइन करता है आईपीसी का सर, उसके अंदर 13 क्लॉज दे रखे हैं सर, दूसरा वाला एलिमेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का सेवक रहेगा आईपीसी में सेक्शन 14 होगा सर। लोक सेवक के साथ किसी ने मारपीट कर ली सर तो आईपीसी कौन सी धारा लगेगी?
आप लोक सेवक हो, मजिस्ट्रेट बन गए, आपके साथ किसी व्यक्ति ने मारपीट कर ली, तो 189 लगेगा सर, शायद जहाँ तक कंफर्म नहीं हुआ, सॉरी सर। जो नुपुर शर्मा ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था, काफ़ी इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ, क्या क्या आईपीसी के अपराध बन सकते हैं उससे? सर जो अभी एक दिमाग में आ रहा है वो 153 बन सकता है सर, 153A, इसमें सर रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर अगर अपन कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है जिससे सर पब्लिक वायलेंस हो सकती है सर, या फिर डिस्टर्बेंस कॉज हो सकती है, एक तो ये अपराध सर मेरे ध्यान में आ रहा है। 295A भी बन रहा है क्या इसमें? 295A नहीं बन रहा है सर इसके अंदर। To wound the religious feeling of the धार्मिक भावना भड़काने का। चलो एक बात और, एक लड़की पर बिच्छू गिर गया और लड़के ने उसे हाथ से हटाया तो क्या अपराध हुआ? कोई अपराध नहीं हुआ सर। क्यों? ये गुड फेथ के अंदर हुआ है सर एक काम, तो और हेल्प करने के लिए हुआ है, कोई अगर वो काम नहीं करता तो इंजरी कॉज हो सकती थी उनको। और वो बिच्छू उस लड़के को खा गया तो मारो लड़के के लगा हुआ हाथ पर पता उसने यूँ किया, वो खुद को ही खा गया, तो उस लड़की के खिलाफ ऑफेंस बनेगा कोई? नहीं, उसमें भी कोई ऑफेंस नहीं बनेगा सर। अब मान लो कि उसका हाथ से है कि बिच्छू अठा हूँ लेकिन गलत हाथ से हटाता तो फिर यहाँ पे ऑफेंस क्रिएट हो जाएगा सर। तो गुड फेथ तो वही आज से और ज्ञान आना चाहिए। यस सर, इंटेंशन जो है सर वो कोई भी ऑफेंस का एक प्राइमरी एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे कोर्ट इंटेंशन देखेगा सर, अगर इंटेंशन उसका मैलिफाइड है। कौन सा ऑफेंस है आईपीसी में जिसमें इंटेंशन की जरूरत नहीं है? सर वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया एक ऑफेंस में, इसमें इंटेंशन की जरूरत नहीं है। इसमें अगर एक्ट हो गया है सर, हाँ, तो जो एक्सीडेंट के केसेस है उनमें इंटेंस होता है कि मैं लालचंद जी के मारूंगा वो मर जाएगा, इंटेंशन तो थोड़ी था उसमें। तो 304B है सर, जो रैश एंड नेगलिजेंट ड्राइविंग के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट कॉज हो जाता है। 304B तो अलग है, 304A 304B तो डाउरी डेथ है। हाँ पूछो। मान लो किसी ने पब्लिक न्यूसेंस का कोई कार्य किया सर, उसका इंटेंशन नहीं था ऐसा करने का, बट तो कार्य किया, गड्ढा खोदा उसने रोड के बीच में खोदा, कहता साहब आज से कुछ नहीं है इसमें, किसी को गिराने का नहीं था वगैरह, तो इसमें क्या इंटेंशन इम्पोर्टेंट है या केवल एक्टस रियस? एक्टस रियस काफ़ी होगा सर इसके ऑफेंस कारित करने के लिए। पहले से कोई शादीशुदा था सर, दूसरी शादी करता है जी सर, क्या उसमें मेंस रिया इम्पोर्टेंट है क्या? बाइगेमी के ऑफेंस, बाइगेमी के ऑफेंस में मेंस रिया इम्पोर्टेंट नहीं है सर, लेकिन अगर वो पहली शादी छुपा के वो दूसरी करता है शादी तो इसके अंदर छुपाया भी नहीं कर दिया उसने तो जो जिसके साथ हो रही है ऑफेंस हो जाएगा सर। पहले से हूँ आईपीसी महिला से संबंधित जो प्रावधान है अपराध, वो कौन कौन से अपराध महिलाओं से संबंधित है? कुछ जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं सर अभी 2013 के अमेंडमेंट से जो इंसर्ट हुआ है उसमें 354ABCD आए हैं सर, 509 आया है सर, 376 है रेप के ऑफेंस जो है सर। 509 क्या है? 509 सर मॉडेस्टी ऑफ वुमेन जो है उसके संदर्भ में बात करता है सर, ऐसा कोई कारण जिससे महिला की मॉडेस्टी को आप इन्फ्रिंज कर रहे हो, दैट फॉल्स अंडर 509 सर। अच्छा ये आईपीसी पोक्सो में क्या अंतर है? आईपीसी में ये 376 में प्रोविजन वगैरह तो थे, फिर पोक्सो क्यों लाया गया, क्या अंतर है? पोक्सो सर एक स्पेशल इनेक्टमेंट है 2013 के अंदर लाया गया था सर, ये 18 साल से जो कम आयु के जो बालक हैं बालिकाएं हैं सर। एक जो बड़ा डिफरेंस आता है सर पोक्सो में और आईपीसी के अंदर, पोक्सो सर एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, आईपीसी के अंदर जो सारे अपराध हैं सर वो सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध जो कारित होते हैं उनको लेके आते हैं, वेयर एज पोक्सो के अंदर सर बालक हो या बालिका हो जेंडर न्यूट्रल हो सर। अच्छा फिर पनिशमेंट देने की बात आएगी तो कौन सा दिया जाएगा, आईपीसी में जो प्रिस्क्राइब है वो दिया जाएगा या पोक्सो वाला? सर जो ग्रेटर डिग्री का सेंटेंस बता रहा है सेक्शन 42 में रिकॉल कर पा रहा हूँ सर अभी पोक्सो का, जो भी ग्रेटर डिग्री का सेंटेंस बता रहा है सेक्शन वो वाला इन्फ्लिक्ट किया जाएगा सर। आप जैसे अखबारों में पढ़ते हो उसने आत्महत्या कर ली या उसने आत्महत्या का प्रयास किया, तो इससे संबंधित आईपीसी कोई प्रावधान है क्या?
जी सर, सेक्शन 309 है आईपीसी का, अटेम्प्ट टू सुसाइड अगर है सर, तो ये अटेम्प्ट हुआ है तब तो ये अपराध है सर, और ये अगर सुसाइड किसी ने कमिट ही कर लिए तो कोई बचेगा नहीं किसी को सजा देने के लिए। एक सर मेडिकल हेल्थ एक्ट आया था 2016 के अंदर, उसके अंदर इसका प्रावधान दिया गया था, 309 को सर ऑफेंस अब नहीं रहा है। अगर कोई ये प्रूव कर देता है कि वो किसी मेंटल एलिमेंट से ग्रसित था तो 309 का सेक्शन सर उस पर एप्लीकेबल नहीं। कोई संथारा नाम भी सुना है क्या आपने? जी सर। क्या होता है संथारा? सर ये जैन समुदाय की प्रथा है। अच्छा। जिसके अंदर व्यक्ति जो है वो स्वेच्छा से भोजन और पानी छोड़ देता है, ये भी एक प्रकार से सर वो भी आत्महत्या की रूप ही है। नहीं हाँ सर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने केस के अंदर इसको सर लेजिटिमेसी प्रोवाइड नहीं करी थी संथारा को। केस का नाम मैंने कोई नाम सुना है आपने? जहर पुरानी नाम सुना है क्या? जैसे अखबार में आता है ना भाई, अजमेर से जयपुर आ रहा था, जहर पुरानी हो गई। जी सर। कोई समझते हो जहर पुरानी क्या? कोई सर अल होनसम जो प्रोडक्ट होता है वो अगर किसी को एडमिनिस्टर करवा दिया जाए। जहर पुरानी एक शब्द है जो जनरल यूज करते हैं, लेकिन वो आईपीसी में एक अपराध है सर। कहाँ है ये? तो कभी पढ़ा आईपीसी में? जैसे ए और बी रेल में यात्रा कर रहे थे, आमने सामने बैठे थे, ए ने बिस्किट वगैरह उसके अंदर जहर मिलाया हुआ था, दे दिया बी को, वो जो ही प्रभाव आया उसके बॉडी पे सूटकेस लेके भाग गया या और कुछ निकाल के मोबाइल लेके भाग गया, तो वो जो बिस्कुट जहर मिलाया हुआ दिया था वो उसके द्वारा क्या अपराध किया उसने? कभी पढ़ा नहीं? नहीं सर, ये 272 से जो 290 के सेक्शन है उसमें आप जैसे 328 में भी जाते हैं, उसमें विष देने भी तो बताते हैं। 328 प्रॉपर सेक्शन है। हार्ट का सेक्शन यहाँ पे सर अट्रैक्ट हो सकता है? इंजेक्शन डीएम और एसडीएम इंजेक्शन दे सकता है क्या? इंजेक्शन की पावर है वो सीआरपीसी में? सीआरपीसी में जी सर। कौन सी दायरा सर? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, 129 से जो 144 वाले हैं सर उसके अंदर डीएम और एसडीएम को पावर है सर, कोई पब्लिक न्यूसेंस अगर हो रही है उनको रोकने की शक्ति है। रखते हैं न्यूसेंस को रोकने के लिए स्टे दे सकता है ना? जी सर। एसडीएम देगा या मजिस्ट्रेट देगा? सर डीएम दे सकते हैं और एसडीएम भी अगर एम्पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट से वो भी दे सकते हैं। ये कई बार नेट बंद करते हैं, इंटरनेट वगैरह, ये कौन से प्रोविजन में बंद होता है? ये भी सर 144 के अंदर बंद किया जा सकता है सर। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कौन सा लीडिंग जजमेंट है? उसमें जम्मू कश्मीर में नेट बंद कर दिया गया था लंबे समय तक, और उसमें अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया याद आ रहा है सर मुझे, इसमें आर्टिकल 19 जो है उनका सर फंडामेंटल राइट है प्रोफेशन को लेके। ये आर्टिकल फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट है सर, वो बता रखा है इसके अंदर। इंडिया दैट इज भारत। भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट सर। यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट। ये सेक्शन 5 सर कंडोनेशन ऑफ डिले की बात करता है। अगर सूट में लागू होता है क्या ये? नहीं, ये अपील में लागू होता है सर, अपील या एप्लीकेशन। ये बताओ आप तो ये बताओ सिविल में कॉम्प्रोमाइज हो सकता पार्टीज के बीच में? कोर्ट के सामने हो सकता है कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज सर अगर स्टेज कौन सी है ये डिपेंड करता है सर। कोई सी स्टेज हो जजमेंट आने से पहले? जी हो सकता है सर। और कोर्ट के बाहर हो सकता है कॉम्प्रोमाइज? कोर्ट के बाहर भी हो सकता है सर। ये कौन से प्रोविजन है कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज? सर सेक्शन 89 जो है सर सीपीसी का, वो 3-4 क्लॉज बताता है, जैसे आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है। कोर्ट के समक्ष कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो कौन से प्रोविजन में?
एग्जैक्टली सर रिकॉल नहीं हो रहा है, फ्रेंडली सूट शायद इसकी श्रेणी में आते हैं। ऑर्डर 23 रूल 3 जो है ये किस पॉइंट पे है? अच्छा मान लो किसी एक्सप्रेस कोई प्रोविजन दे रखा है सीपीसी में, तो जैसे वादी या प्रतिवादी की मृत्यु हो गई और उनके लीगल हेयर्स को रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रावधान है, क्या ऐसी केस में 151 की इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज की जा सकती है कोर्ट द्वारा? की जा सकती है सर, अगर एक्सप्रेस प्रोविजन है तो भी, जैसे सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि सब रेस्ट सब ड्यूटी से बाहर होगा सूट, उसके वॉयलेशन में जाके और 151 में ऑर्डर कर सकते हैं कि सूट को सब्जेक्ट सूट को कंटिन्यू किया जाए? अगर एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ अगर दे रखा है सर, 151 की पावर जो है कोर्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे सर। थैंक यू सर। ने ये कहा कि वे लीगल ईयर्स रिकॉर्ड पे लेने की, तो उसका कोई प्रोविजन है कि वो कितने दिन में एप्लीकेशन फाइल करेगा? 90 डेज में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सर, अगर राइट टू सू सरवाइव करता है ऑर्डर 22। अच्छा ये आप विद्युत डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, कौन सा लॉ है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इंडिया में अभी? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है सर। अच्छा मान लो ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई सिविल इश्यू है, तो इसमें कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कौन है उसको सुनने के लिए? सिविल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है क्या उसमें? इसमें स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश करने का प्रावधान दे रखा है सर। स्पेशल कोर्ट्स? कोर्ट्स का वो तो क्रिमिनल केस डील करेंगे, सिविल की बात कर रहा हूँ। सिविल कुछ है उसमें पहले ही FIR वगैरह दर्ज होने से पहले ही कोई वो उसमें सॉल्यूशन हो सकता है, तो कोई ऑथोरिटी है क्या उस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में? आता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर सर अथॉरिटी आता हूँ तो मैं पहुँच रहा हूँ। जो ऑफिस हमारे जैसे डिपार्टमेंट के अंदर से सेटलमेंट कमिटीज का प्रावधान दे रखा है। कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है क्या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में इस तरीके से कुछ? एक RERC है सर, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ओके। अच्छा ये बिजली चोरी जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, ये 379 में फॉल होगा या कोई स्पेशल इस पे? स्पेशल 135 सेक्शन 135 है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सर, वो स्पेसिफिकली लागू होता है। तो ये कौन सा कोर्ट ट्राई करता है इसको? मजिस्ट्रेट कोर्ट करता है या कोई और कोर्ट है? 135 का अपराध जो है स्पेशल कोर्ट है सर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर। अच्छा तो राज्य सरकार संस्थित करता है। इसमें राजीनामा हो सकता है क्या इलेक्ट्रिसिटी वाले मैटर्स के अंदर? जी सर, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है सर, ये सेक्शन 152 की बात करता है, 135 और 138 दोनों सेक्शन कंपाउंडेबल। कभी बिजली विभाग में काम कर रहे हो क्या? जी सर। जेल हो सर। अच्छा चलो आप ये बताओ कि कोई लड़की कमरे में पड़ती है और कोई गलत नियत से घुस के बूंदी लगा लेता, तो क्या अपराध करता है? गलत नियत से घुस के सर वो अंदर घुस गया है तो कुंडी लगा दी उसने। यहाँ लड़की बेटी पढ़ रही है, आप अंदर आके कुंडी, आपकी नियत खराब है, आपने कुंडी लगा दी, तो आपने क्या अपराध किया? IPC का अभी आपने बताया था ना, बताया था ना मॉडेस्टी ऑफ वुमेन जो है सर वो इंफ्रिंज कर रहा है वो। 509 हो सकता है क्या? 509 का अपराध होगा, एकांत व्यवस्था भंग होगी ना उसकी, आपने भी बताया था 509 प्राइवेसी को इंफ्रिंज कर रहा था मॉडेस्टी उस। ट्रेसपास का भी तो बनेगा, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा था? आज का न्यूज़पेपर कल का। अच्छा क्या मुख्य मुद्दे चल रहे हैं भारत के अंदर, दो बताओ कोई अभी सर? महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, तो वहाँ के 37 MLA जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। दूसरा बताओ। दूसरा सर खेल जगत से कुछ मैंने देखा था। नहीं और इलेक्शन को लेके और कहीं? और राष्ट्रपति के इलेक्शन सर अभी होने वाले हैं, भारत के माननीय 15th प्रेसिडेंट जो है उनका चुनाव होने, तो दोनों जो पार्टीज हैं सर उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स का नॉमिनेट किया। थैंक यू। ओके ऑल द बेस्ट। बढ़िया है, थोड़ा पैर को हिलाए मत करो बैठे बैठे चेयर पे।